आपकी बुकलेट में सेम क्वेश्चन है रॉड का, बस फर्क यह है कि मैंने लैम्डा चेंज कर दिया, मैंने दिया था 3x अपने मन से या 4x, इसने क्या ले लिया k बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूले हो गए और सेम कॉन्सेप्ट, ये देखो बस लैम्डा की जगह के एक्स स्क्वायर बाई एल पुट कर देना, दैट्स इट, इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके अंदर आपने देखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो कहता है जी एक फेस है किसी का, चेहरा है और वो गोल है रिंग की तरह, फिर इसकी आँखें हैं राउंड, फिर इसका नाक है, फिर इसके लिप्स हैं। अभी क्या है कि इसमें जो तो राउंड फिगर्स हैं, मतलब जो तो गोल हैं, पूरी रिंग का मास तो गिवन है, बिग रिंग का 6m, छोटी छोटी आँखें गोल हैं तो इनका मास है m, और साथ में जो वर्टिकल लाइंस हैं ये और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनका मास भी m है। क्वेश्चन में गिवन है इस बड़ी रिंग का सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे गिवन है 0.0 पे, कोऑर्डिनेट गिवन है 0.0 पे, आंखों का कोऑर्डिनेट गिवन है -a.0 और a पे, लिप्स का सेंटर है 0.-a पे, और ये इसमें कितनी फिगर्स हैं टोटल, कितने मासेज हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 मासेज हैं इसमें, 1, 2 नाक, 2, 3, 4 और 5, ठीक हो गया। अब 5 मासेज हैं एम 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 सारे, लेकिन एक मास रिंग का कितना है 6m, 6m का सेंटर ऑफ मास गिवन है 0.0, बाकियों का भी गिवन है -a, a, 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 0, 0, -a, ये रहा, और कह रहे हैं पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ रहा ही नहीं अब तो, m1, m2, m3, m4, m5, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, लगा लेना 5 बार x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास आंसर आ जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी शीट में मिलेगा, तो उसमें आपको ये देखना है, और इसे देखो एक बार,